दिल तो पागल है टू में किस तरह के लव ट्रायंगल को दिखाया जाएगा, कितने फेमस एक्टर्स होंगे इसमें, क्या सरहद को प्यार से एक बार फिर जोड़ दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं एक 90s के दशक के बेहतरीन फिल्म की। जी हाँ, दिल तो पागल है 1997 में बनी एक लव ट्रायंगल हिंदी फिल्म है। इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इसमें मुख्य किरदार में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर थे। शाहरुख खान और यश चोपड़ा की ये एक साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले वो डर 1993 और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में एक साथ काम कर चुके थे। फिल्म रिलीज होने पर दिल तो पागल है को काफ़ी सफलता मिली थी और ये दुनिया भर में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें अब वो एक्टर्स नज़र नहीं आएंगे जो पहले थे, बल्कि इस कहानी को दोबारा से शुरू किया जाएगा किन्हीं नए चेहरों के साथ। दिल तो पागल है फिल्म ने अपनी कहानी और गानों के लिए तारीफें बटोरी थी। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। अगर इसकी कहानी की बात करें तो राहुल यानी कि शाहरुख खान और निशा यानी कि करिश्मा कपूर एक डांस ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। निशा मन ही मन राहुल से प्यार करती है। एक कंपटीशन के लिए अभ्यास करते समय निशा को चोट लग जाती है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। राहुल ने माया नामक एक नाटक का निर्देशित करने की अपनी इच्छा को बताया है, लेकिन निशा समेत ग्रुप के लोगों को टाइटल माया के बारे में संदेह है, जो राहुल के अनुसार ऐसी लड़की है जो सच्चे प्यार पर विश्वास करती है और अपने सपने के राजकुमार के लिए इंतजार कर रही है। इसी बीच पूजा यानी कि माधुरी दीक्षित दिखाई जाती है, जो बहुत अच्छी डांसर और शास्त्रीय डांस में काफ़ी अच्छी है। ये एक छोटी उम्र में ही अनाथ होने के कारण उसे अपने माता पिता के करीबी दोस्तों द्वारा पाला गया है। इस बीच राहुल पूजा को अपने साथ काम करने को कहता है और वो मान भी जाती है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनमें फिर प्यार हो जाता है। इसी तरह कहानी जलन, मोहब्बत और सेक्रीफाइस में आगे बढ़ती है। दिल तो पागल है 2 में कुल 4 गाने होने वाले हैं, जिनमें दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, चक धूम धूम आदि काफ़ी फेमस गानों को रीमेक किया जाने वाला है। इन गानों को इसलिए भी नहीं बदला जा रहा है क्योंकि इन गानों से ही दिल तो पागल है को बहुत अधिक सफलता मिली। इसके कारण ये भारतीय फिल्मों में उस वर्ष का सबसे अधिक कमाने वाला फिल्म बन गई थी। इनसे भारत में कुल 59.82 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं देश के बाहर ₹12.04 करोड़ रुपए का लाभ लेने में भी सफल रही। इस फिल्म को बनाने में मात्र 9 करोड़ रुपए लगे थे। उसके हिसाब से कमाई बहुत अधिक हुई थी। इसने पूरी दुनिया में पहले हफ्ते के अंत में 4.71 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं पहले सप्ताह में इसने 8.97 करोड़ का कारोबार किया। अब देखना यह है कि क्या दिल तो पागल है 2 अपनी ही मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। क्या आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है या मिस कर दिए हैं सुनने इसके गानों को, तो जाइए सुनिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।